नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ की एक और स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के सिंधी चौराहे पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आज यहाँ पर व्यापार मंडल के जो व्यापारी हैं और जो अन्य हल्द्वानी के व्यापारी हैं उनकी ओर से काले झंडे लेकर विरोध किया जा रहा है। जब खिड़की और दरवाजों की मजबूती और खूबसूरती मिले साथ, जो चले सालों साल, तो सबकी पसंद है A1 इंडस्ट्री UPVC डोर एंड विंडोज का साथ, हल्द्वानी उत्तराखंड। कॉल 9012266789। आपको बता दें, जो विरोध है वो अतिक्रमण को लेकर जिस तरह से प्रशासन की ओर से इन लोगों को नोटिस दिया गया है, उस पर ये लोग आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि जो नोटिस इन लोगों को दे दिया गया है, मोहलत जो इनको दे दी गई है, उस पर आगे क्या कार्रवाई इनकी ओर से की जाने वाली है। आज इनकी ओर से रैली यहाँ पे निकाली गई है, कल जिस तरह से निवर्तमान मेयर से इनकी वार्ता हुई, क्या वो सफल थी या फिर नहीं, चलिए बिना किसी देरी से इन लोगों से ही बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? योगेश शर्मा, अध्यक्ष व्यापार मंडल हल्द्वानी। सर, जिस तरह से नोटिस दे दिया गया है प्रशासन की ओर से अतिक्रमण को लेकर, क्या कार्रवाई आगे की जाने वाली है? नोटिस बेवजह का नोटिस है, इनकी जब मर्जी आ रही है तोड़ा फोड़ी कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति में खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि संपत्ति हमारी है। अरे पब्लिक के टैक्स का पैसा लगा है उसमें, सारे दुकानदार को टैक्स जमा होता है, उससे बनता हॉस्पिटल, उससे बनती दुकानें, हर चीज उससे बनती है। ये इनकी दुकानें कहाँ से होगी, मैं पूछता हूँ सरकारी अधिकारियों से, ये सारा टैक्स का पैसा है, किसान भाइयों का पैसा है, व्यापारियों का पैसा है, ये हमारे पैसे को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। अभी 1 महीने 15 दिन पहले दीवार लगाई इतनी बड़ी पार्किंग पे, कल वो तोड़ दी परसों निर्देशक के साथ। अरे भैया तुम अपना ही थोड़ी कर रहे हो, तुम तो आज यहाँ हो कल कहाँ, कुछ नहीं पता। लेकिन हमारा शहर तो सारा अव्यवस्थित करने पर उतारू है अधिकारी, ना सुनने को राजी है। हम बड़े बड़े लीडर से भी मिले, वो भी आसनसोल हम अच्छे मिले, अब देखें हम क्या करते, कब तक अच्छा करें वो हमारे लिए। कल आपकी निवर्तमान मेयर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला से भी वार्ता हुई थी, क्या निष्कर्ष निकला उनकी तरफ से? हमारे निवर्तमान मेयर जोगिंदर रौतेला जी, हम वो एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, हम इस बात को मानते हैं, उन्होंने हर संकट के समय में व्यापारी भाइयों को साथ दिया है, इसलिए हम उनके पास गए थे। हम थोड़ा सा लेट हो गए थे इसलिए, क्योंकि उनकी माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब था, इसलिए हम उनसे मुलाकात नहीं कर पाए। ये मुलाकात हमारी उनसे 1 हफ्ते पहले होनी चाहिए, लेकिन कल हम उनसे विधिक जानकारियों के लिए, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें नगर निगम प्राधिकरण हर चीज़ की बारीकियाँ मालूम है, तो उन्होंने हमारे साथ ये सारे विचार साझा किए, हमें जानकारियाँ दी। इसके लिए मैं सारे व्यापारी की ओर से मेयर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें समय दिया और हमारी बातों को, हमारे दर्द को समझा, और पहले भी समझा, आज भी समझा, और वो हमारे साथ खड़े होने को तैयार है। 16 तारीख तक आप लोगों को मोहलत दी गई है, क्या आपसे वार्ता की जाएगी प्रशासन से या क्या आगे रहने वाला है? 16 तारीख का समय दिया गया है हमें, हम इस बात को मानते हैं, ये तुगलकी फरमान है, ये गलत कार्रवाई करने को आमादा है। अगर ऐसी कुछ हरकतें इनकी बढ़ेंगी तो हम लोग भी इनको बता देना चाहते हैं कि हमें भी किसी हद तक गुजरना पड़े, हम गुजरने को तैयार रहेंगे। जब हमारे व्यापारी भाइयों की रोजी नहीं होगी ना हम पे, तो फिर हम पे खोने की जगह, तो उस स्थिति में हम कुछ भी करने गुजरने को राजी है। उसके लिए चाहे आत्मदाह करना पड़े, पेट्रोल लगाने पड़े, चौमंजिल छत से कूदना पड़े, हम सब काम करने को राजी है। नमस्कार सर, आपका नाम? हर्षवर्धन पांडे। सर, जिस तरह से आज आप लोगों की ओर से काले झंडे लेकर रैली निकाली गई है, नगर निगम आप पहुंच चुके हैं, जो मांगे हैं आपकी क्या हैं और जिस तरह से नोटिस आप लोगों को? देखिए, जिला प्रशासन के द्वारा जो शहर सौंदर्यीकरण के नाम पे हमारे व्यापारियों को उजाड़ने का तुगलकी फरमान सुनाया जा रहा है, और जो सरकार की संपत्ति को खुर्द बुखुर्द किया जा रहा है, अभी कुछ ही समय पहले इन लोगों के द्वारा ये 40-40, 50-50 लाख रुपए की बाउंड्री वाले करी गई है, वो जनता का गाड़ी कमाई को ये धरातल पे बहा दे रहे हैं, क्योंकि इनके इनका कुछ नहीं जाता है, ये आम व्यापारी की कमाई है, और जो हमारा व्यापारी समुदाय जिनकी ये दुकानें तोड़ने के लिए ये चिन्हीकरण किया हुआ है 70-70 सालों से, 100-100 सालों से वो व्यापारी वहाँ पर बस करके अपनी रोजी रोटी का अपना परिवार चला रहा है, दादा परदादा 4-4 पुश्तें वहाँ पे व्यापार कर चुकी हैं, और ये नगर निगम और ये जिला प्रशासन उनको उजाड़ने का काम कर रहा है, जिसे व्यापारी किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेगा, और इसके लिए चाहे आत्मदाह जैसे कदम उठाने पड़ेंगे, उसके लिए भी हमारा संगठन, हमारा व्यापारी तैयार होगा। 16
तारीख तक की मोहलत आप लोगों को दे दी गई है, क्या लगता है कि प्रशासन आपकी बात सुनेगा? देखिए, हम प्रशासन नहीं भी सुनेगा तो हम कोर्ट की भी शरण लेंगे, हम सारे रास्ते अपनाएंगे। देखिए, जहाँ पे जरूरी है शहर का सौंदर्यीकरण हम भी चाहते हैं, हम भी इसी शहर के वासी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है शहर का सौंदर्यीकरण हो, लेकिन हमारे व्यापारियों के पेट में लात मार के यदि आप शहर का सौंदर्यीकरण करेंगे इसे किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मांग क्या है आपकी, अगर मैं आसान शब्दों में पूछूं, मांग क्या है? देखिए, मांग ये है कि जो पहले तो जो 12 मीटर सबसे पहले राज्य मार्ग का जो साइज है वो सार्वजनिक करें कि क्या है, उसके बाद दूसरा व्यापारियों को कम से कम इतना समय तो दे कि वो अपनी बात रख सके, क्योंकि अपनी बात रखने का समय नहीं दिया गया, सीधे 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। 7 दिन के दिन में ये व्यापारी क्या करेगा? इतने में तो जब आदमी की रोजी रोटी में लात पड़ती है तो आधा तो आदमी वैसे ही पागल हो जाता है, उसकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। ऐसे हालात में ये लोग इस तरीके का कार्य कर रहे हैं जिसका हम हर सूरत पे विरोध करते हैं और करते रहे। नमस्कार सर, आपका नाम? विपिन गुप्ता, जिला अध्यक्ष प्रांतीय व्यापारी। सर, जिस तरह से व्यापारियों को नोटिस दे दिया गया, 16 तारीख तक की मोहलत दी गई है, चंद दिन बचे हुए हैं, आगे क्या कदम रहने वाला है? ये व्यापारियों का उत्पीड़न है। हम करीब 4 महीने पहले अशोक चौधरी जी से मिले थे और हमने एक बात बार बार व्यापार मंडल के माध्यम से उठाए जा रहे हैं कि आप शहर में अगर भीड़ भाड़ है, यातायात का दबाव है, तो ISBT जो गवर्नमेंट की योजना है, सबसे पहले उसको बनाया जाए, उससे काफ़ी कुछ दबाव, रोडवेज की बसें, केमो की बसें, टैक्सी, ऑटो, ई रिक्शा, बहुत कुछ शहर से हट जाएगा। उसके बाद फिर आप जो हो सकता है उस पर व्यापारियों से चर्चा करके, बहुत कम से कम क्षति में व्यापारियों के साथ बातचीत करके, हम हल्द्वानी का विकास, हम हल्द्वानी के लोग हैं, हम भी चाहते हैं विकास हो, शहर चौड़ा हो, उसके लिए हमारे साथ बैठे। लेकिन सरकार पहले अपनी योजनाओं को तो धरातल पर उतारे, इन चीज़ों को बाहर करें। इतना बड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल क्यों बनाया अगर शहर में दबाव है? तहसील की योजना 20 शहर में क्यों लाई जा रही है? गोलापार को जब नया शहर बनाया जा रहा है तो वहाँ शिफ्ट किया जाना चाहिए। लेकिन अपनी नाकामियों को, अपनी योजनाओं को जो कि अनुसूचित विकास है, उसको ना करके आप व्यापारियों पर सारी गाज गिरा देना। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी 70 से 80 साल की बिल्डिंग है जो यहाँ बनी हुई है, क्या उनको गिराना इतना आसान है क्या? तो मेरा है, हम दबाव भी बना रहे हैं और प्रशासन से बातचीत का भी दरवाजा खोल के रखे हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम मनोज यादव, व्यापार मंडल महामंत्री। सर, जिस तरह से व्यापारियों को अल्टीमेटम दे दिया गया है, 7 दिन की मोहलत दी गई है, 16 के बाद जो प्रशासन वो कार्रवाई करेगा, क्या आगे का कदम रहने वाला है? हमारा व्यापारी पूरी लड़ाई लड़ने के तैयार है, जो इन्होंने 16 तारीख का फरमान जारी करा है, फिर वे गुजारने के लिए करा है, क्या इन्होंने कई योजना बनाई है, कहीं हमें बताने की योजना बनाई है? कभी नहीं। आज कई वर्षों दशक बीत गए, नगर निगम ने अपनी कोई आय बढ़ाने के लिए कोई मार्केट नहीं बनाई, कोई राज्य रोजगार देने के लिए बैंडर जोन नहीं बनाए, आज ये सीधे व्यापारी को उजाड़ रहे हैं। ये मार्केट इन्हें के द्वारा बनाई हुई है, आज इसको ये अतिक्रमणकारी कह रहे हैं। सबसे पहले तो आप स्वयं अतिक्रमणकारी थे, आज अस्पताल बेस में आपने बिल्डिंग बनाई, अभी हाल में ही उसका उद्घाटन नहीं हुआ और आप उसको तोड़ने के लिए फरमान जारी करते हो, क्या किस अधिकारी ने उसका नक्शा पास करा, किस अधिकारी ने उसका पैसा पास करा, किस हाईवे से किस निकलता आपने नोट पास करा? आप स्वयं जिम्मेदार हो, आज हमें कहते हो कि हम दोषी हैं, आप सबसे बड़े धोती तो आप हो, आप पैसा खा के उस पैसे का, हमारे पैसे का दुरुपयोग कर ये बिल्डिंग पास करते हो, तोड़ दो। तो अभी एक इन्होंने पार्किंग बनाई, उसमें 40 लाख रुपये खर्च कर दिए, वो 40 लाख रुपये की आज फिर पार्किंग तोड़ लो, क्या है ये आपका? आप आज आप हाईवे के किनारे आज शौचालय बना रहे हैं, हो सकता है कल आपको तोड़ने पड़े, ये तो पैसे हमारे बर्बाद हो रहे हैं ना, इनके नहीं हो रहे हैं, ये तो मोटी तनख्वाह लेके मोटा कमीशन लेके चले जाएंगे, मगर हम इनको बता देंगे ये मोटे कमीशन खाली बंद कर रहे हैं और हमें रोजगार दें, और हम जब तक हमारे व्यापारी को रोजगार नहीं मिलेगा तो हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। 3 दिन से भी कम का समय बचा है 16 तारीख आने में, क्या लग रहा है 3 दिन में प्रशासन आपकी बात सुनेगा, क्या इस पर रोक लगेगी? हम इसको लेके हमारे अधिवक्ता हाई कोर्ट में भी जा चुके हैं और बहुत ही जल्दी हमें लगता है कि कुछ ना कुछ हमारा, अगर ये नहीं सुनेंगे तो हाई कोर्ट महोदय हमारे जरूर सुनेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि न्याय सुनने का अधिकार सबको है, न्याय मिलने का अधिकार है। ये प्रशासन अपना जाके बड़े बड़े अफसरों को ये दिखाएगा हमने ये काम कर दिया, वो काम विधि के नियम से करें,
हमें बताएं कि हम कहाँ हैं, आप कहाँ हो। आप एक टेबल पर बात करें, आप कहाँ तक सही हो, आप हम कहाँ तक सही हैं। आप बिगड़ बताएं, हमें तोड़ना चाहते हो। हम इस तो किसी भी हालत में नहीं थेंगे, और हो सके तो आज हमारा पूरा प्रदेश और हल्द्वानी शहर तो बंद रहेगा ही रहेगा। हम बहुत ही जल्दी इनको बता देंगे कि हल्द्वानी नहीं, पूरा प्रदेश भी बंद हो सकता है। मैं मेरा संदीप सक्सेना है, प्रचार मंत्री संगठन प्रचार मंत्री प्रशांत गुरुपाल। मेरा केवल इतनी प्रशासन से कहना है, 70 सालों से जिन दुकानदारों को आज वो व्यापार कर रहे थे, अपने व्यापारी अपने दुकानदारों पे, उन अतिक्रमणकारी घोषित कर दिया गया। क्या वो अतिक्रमणकारी थे तो सरकार उनसे टैक्स क्यों ले रही थी? सरकार उनका रजिस्ट्रेशन क्यों कर रही थी? सरकार ने उनको दुकानें क्यों आवंटित कराई? नगर निगम में वो दुकानें रजिस्टर्ड हैं, वो व्यापारी रजिस्टर्ड हैं, वो जीएसटी देते हैं, उसी रेवेन्यू उसी टैक्स से सरकार पलती है और वहाँ से तनख्वाह से पैसा आता है। मैं कह रहा हूँ ये अतिक्रमणकारी नहीं है, नगर पालिका अतिक्रमणकारी है। अगर वो अतिक्रमणकारी का दोषी है तो उतना ही दोषी नगर निगम पालिका है, जिन्होंने नक्शे पास करवा के उन दुकानों को बनाया, उन दुकानों को ऑथराइज करा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। जिस तरह से आज रैली यहाँ पे निकाली जा रही है काले झंडे देकर, विरोध आप लोग कर रहे हैं, क्या मांगे? हम आगे बहुत कुछ करेंगे, जहाँ तक जाया जाएगा हम वहाँ तक जाएंगे। आत्महत्या करनी पड़े कुछ करें, हम अपने कारोबार नहीं छोड़ सकते हैं, और हम अतिक्रमणकारी नहीं है। प्रशासन की ओर से नोटिस आप लोगों को दे दिया गया है, सुनने को प्रशासन तैयार है या नहीं? नहीं है, बिल्कुल प्रशासन तैयार नहीं है। हम लोगों की रोजी रोटी पे बात आ गई है, हम रोड में आ चुके हैं, हमें जहाँ तक जाना पड़ेगा हम वहाँ तक जाएंगे। प्रशासन की ओर से जो कहा जा रहा है कि 16 तारीख तक आप लोगों को सिर्फ मोहलत दी जाएगी, उस पर ये अब ये हमारा ये बताएगा आपको, उन्हें देना पड़ेगा हमें मौका। आप सभी शहरवासियों को जंगल फिस्टा परिवार की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं ये साल आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए, और हल्द्वानी के गैस गोदाम रोड में स्थित जंगल फिस्टा एक मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट है। यहाँ आपको वेज और नॉन वेज खाने की कई तरह की वैरायटीज मिलती हैं, और स्वाद के साथ जो इस रेस्टोरेंट की बाकी जगहों से अलग बात है वो है यहाँ का थीम। जी हाँ, जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि रेस्टोरेंट जंगल की थीम पर बना हुआ है, तो आप भी आइए और अपने परिवार के साथ कुछ सुकून के पल एक बार यहाँ जरूर बिताइए। तो आइए कभी जंगल फिस्टा। देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से व्यापारियों की ओर से आज यहाँ पर जुलूस निकाला गया अपनी मांगों को लेकर, और जिस तरह से उनको नोटिस थमा दिए गए हैं उसको लेकर आज इन्होंने नगर निगम में विरोध प्रदर्शन किया। उनकी बातें हमने सुनी, अब देखने वाली बात होगी कि क्या प्रशासन उनकी बातों को सुनता है या फिर नहीं। जिस तरह से मोहलत उनको 16 तारीख तक की दे दी गई है, अब आगे क्या कार्रवाई इस पर की जाएगी ये देखने वाली बात होगी। तो ये थी ग्राउंड जीरो से जेजेएन की खास रिपोर्ट। मैं निशा अपने सहयोगी गणेश के साथ, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।